नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों, आज अपन नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, हो सकता है आप लोगों के नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगा तो मैं ये जानकारी आपको देना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर से उन भाइयों के लिए जो ड्राइवर हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि ये वीडियो ड्राइवर देखें, बहुत सारे जो विदेश जाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखते हैं। तो आपका 100% 100% आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये वीडियो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं उस हालात में बना रहा हूँ कि जिस शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान में मैं रहता हूँ, वहाँ के कम से कम 5 लोग जेल में बैठे हैं। आज 5 5 6 6 साल हो गए, ख़ास तौर से सऊदी अरबिया की मैं बात करूँगा, और वो लोग हैं ड्राइवर। जी हाँ साथियों, ठीक है, उनका मैं नाम बता दूँ, जय सिंह जाट, चूरू जिला का पड़ता है ये बंदा, गोविंद सिंह बाखर रताऊ, ये भी नागौर साइड का है, प्रेम जी ये भी नागौर साइड के हैं। ये 3 आदमियों की मेरे पास अभी नाम और लिस्ट है। तो ये साथियों आज से 5 साल पहले सऊदी गए थे कमाने के लिए ड्राइवरी के जॉब में, ठीक है। और इनका हो सकता है वीडियो वोट जो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा, आप अगर सर्च करोगे तो देख लेना। एक चूरू के धर्मवीर जाखड़ हैं, उनके फेसबुक आईडी अगर आप लॉगिन करोगे तो उनमें ये इनका वीडियो वगैरह शो कर देगा, आप देख सकते हो। तो साथियों इसमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ से ड्राइवर लोग मोटा पैसा 1 लाख 1.25 लाख रुपए दे के सऊदी, या और कोई भी कंट्री की मैं बात करूँगा, लेकिन ख़ास तौर से सऊदी, क्योंकि सऊदी में वहाँ पे शरिया कानून लागू है, वो संविधान का वहाँ पे सिस्टम इतना है नहीं, ठीक है। तो वहाँ तो खून के बदले खून होता है साथियों, आपको पता है, जो सऊदी लोग रहते हैं उनको पता होता है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। अगर सामने वाले के किसी के आपने हाथ तोड़ दिए तो सामने वाली पार्टी बोलेगी कि इसके हाथ तोड़ दो, तो वहाँ पर हाथ टूटता है, ये नहीं कि कानून सज़ा होती है वहाँ पे, ऐसा सिस्टम है नहीं। तो ये बंदे आज से 5 साल पहले सऊदी गए थे कमाने के लिए ड्राइवर के जॉब में। अब इन्होंने कंपनी की तो गाड़ी नहीं थी, अगर कंपनी की होती तो इतना हो सकता है इश्यू नहीं होता, हो सकता है किसी लोकल रबाब की गाड़ी होगी जो अपने ड्राइवर के तौर पे जाते हैं ना, घरेलू ड्राइवर के तौर पे। तो ये बंदा ड्राइवर जॉब कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो गाड़ी ने किसी गाड़ी पीछे से आगे से जो भी है टक्कर मार दी, ठीक है, उससे किसी बंदे की, जहाँ का लोकल आदमी वहाँ का सऊदी था, सऊदी ने इसको बोल सकते हो, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट सीधा सा ऑप्शन है ब्लड मनी, यानी ब्लड मनी का मतलब ये होता है कि खून की रकम आपको अदा करनी होगी। वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको सज़ा सुना दी, और उसमें मैं बता दूँ आपको, इसमें साफ साफ लिखा है कि वहाँ का जो पैसा इन्होंने उनको बताया है, मात्र और मात्र सऊदी की 3 लाख रियाल, यानी जो बंदे ने, इंडिया आदमी, इंडिया का जो बंदा था गोविंद राम, उसने वहाँ पे किसी का मर्डर, मतलब गाड़ी से टक्कर हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सज़ा सुना दी कि 3 लाख रियाल आपको यहाँ पे जमा कराओ और इंडिया जाओ। अब 3 लाख रियाल का कम से कम 60 से 70 लाख रुपए बनता है, तो साथियों इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये बंदा पिछले 5 साल से, मैं साथ में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, 5 साल से सऊदी की जेल में है। कोशिश पूरी, सुषमा स्वराज से मोदी तक, जितने भी जो प्रोसेस होते हैं आपको पता ही है क्या क्या, जितनी भी कोशिश होती है लोकल मीडिया या जो अधिकारी होते हैं वहाँ पे पूरी, लेकिन क्या करें, वहाँ का गवर्नमेंट का रूल ही ऐसा है कि ब्लड मनी 60 लाख रुपये जमा कराओ और उसको छोड़ के ले जाओ। अब 60 लाख रुपये भैया मुझे तो लगता नहीं कि ज़िंदगी में कभी इंसान दे पाएगा, तो उसको तो फिर मरना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये सच्चाई साथियों, ये 7 साल से पहले सऊदी कमाने गए गोविंद राम बाखर रताऊ लाडनू नागौर, जो पिछले 5 साल से सऊदी की जुबेल जेल दमाम में बंद है। अगर कोई भाई दमाम में है तो जुबेल वहाँ पे कोई जेल है, वहाँ पे ये बंद है। इन पर ब्लड मनी के 3 लाख रियाल या 60 लाख रुपए जुर्माना है, जो गोविंद नहीं भर सकता। इसके अभाव में गोविंद को कितने वर्षों तक जेल में रहना पड़ सकता है कोई नहीं जानता। तो साथियों ये चीज़ आपको बताने की इसलिए मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि खास तौर से चीज़ का, आप जो हो गया उनको तो देखो कोई रोक नहीं सकता, वो तो हो गया, वो तो पीछे पीछे भूतकाल में चला गया, अब तो ये है कि वो कैसे भी करके घर आ जाए। लेकिन सऊदी हर रोज़ हजारों लोग, इंडियन लोग हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे, यहाँ से सऊदी जाते हैं कमाने के लिए। और ज़रूरी नहीं होता भैया ये सऊदी का रूल हो, ये इंडिया में भी लागू होता है। आपके पास कार है, बाइक है, बड़ी गाड़ी है, और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, और आपने किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट उसका हो गया, सामने वाली पार्टी की डेथ हो गई, तो 100% वो क्लेम आपको चुकाना पड़ेगा। है हिम्मत आपकी चुकाने की, इससे तो बढ़िया यार आपकी, जो भी आपके पास व्हीकल है उसकी इंश्योरेंस होना, मेन चीज़ क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर उस कार की होती तो वो गोविंद राम आज वहाँ नहीं होता, इंडिया में होता, ठीक है, क्योंकि उसका क्लेम कंपनी देती। अब दिक्कत ये है, यहाँ के लोग वहाँ पे ड्राइवरी में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि गाड़ी की इंश्योरेंस है कि नहीं है। कई बार पता भी होता है लेकिन अब बंदे आंख बंद कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। 99% कुछ नहीं होता, 1% अगर हो गया ना, उस दिन जिंदगी बर्बाद है।
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप साथियों से ये करूँगा कि जो भी भाई ड्राइवरी के जॉब में चाहे किसी भी कंट्री में जाएं, ये तो सऊदी का रूल है, बाकी हर कंट्रियों का अलग अलग रूल होता है, तो प्लीज़ इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी हमारे यहाँ, क्योंकि पिछले बार लगभग 5-6 दिन पहले मोदी जी आए थे यहाँ पे चूरू जिले राजस्थान में, तो ये मांग उनके सामने उठी थी कि हमारे बंदे हैं उनको आप छुड़वाइए, तो ये मुद्दा यहाँ पे गरमा रहा है। तो मैं सोचा आपको लोगों को ये बात बता दूँ कि जो भी भाई अगर मलेशिया कोई भी कंट्री, मलेशिया या सऊदी कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री हो, अगर आप जॉब ड्राइवरी जॉब में जाना चाह रहे हो, तो 100% गाड़ी की स्टेयरिंग पर बैठने से पहले गाड़ी की इंश्योरेंस ज़रूर चेक करें। अगर गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो बिल्कुल आप मना कर सकते हैं कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, चाहे आपको इंडिया वापस आना पड़े। ठीक है साथियों, तो यही आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक और शेयर करें। अन्य लोगों को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है आपका साथी कोई ड्राइवरी में जा रहा होगा और उसको पता नहीं होगा और उस दिन वो फंस गया। इंडिया के कम से कम 200 से ज़्यादा ड्राइवर सऊदी की जेल में बंद हैं, इंडिया के 200 से ज़्यादा ड्राइवर। अब उनका 60-60 लाख रुपये अगर कोई नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट भी नहीं भरेगी, ये तय बात है। गवर्नमेंट ही, हो सकता है कोई समझौता हो जाए। प्रिंस जो सलमान है, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में आए थे, तो उनके साथ में ये प्रस्ताव रखा था कि भाई सऊदी के जो भी, इंडिया के जो भी सऊदी की जेल में उनको रिहा किया जाए, तो हो सकता है उस विचार पे कोई संधि ऐसी हो जाए कि उनको निकाल दे। बाकी गवर्नमेंट तो इतना पैसा भर के उनको लाने वाली है नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो मेन चीज़ वो ये कि अपन ध्यान रखें, दूसरों को भी थोड़ा सजेशन दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर रोज ऐसे टॉपिक पर नए नए वीडियो आते रहते हैं, जिससे घर बैठे जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।